दोस्तों, तो वेलकम। आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने दोस्तों के साथ लंच में। तो आज हम आए हैं टेस्ट ऑफ चाइना, जो कि है भुवनेश्वर में। और आप देख सकते हैं ये जगह कितना सुंदर है। इनका थीम रेड और ब्लैक है, जो कि चाइना को रिप्रेजेंट करता है। इनका इंटीरियर में काफ़ी हद तक उन्हीं का डिज़ाइन है। तो हमने मंगवाया था पहले पहुँचते ही वेज मनचाओ सूप और चिकन ब्रंट गार्लिक क्लियर सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी था। मतलब वो बोलते हैं ना, एग्जैक्ट मोमेंट में अगर खाना मिल जाए, जब आपको हल्का हल्का थोड़ा भूख लगना स्टार्ट ही हो रहा होता है और आपको टेस्टी सा सूप मिल जाए, तो क्या ही बताएं। मतलब इतना टेस्टी था। तो जिस तरह ये दिख रहा था, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी सच में भी था। और सूप पीते पीते मैं ये भी सोच रही थी कि हाँ, हम सभी को मतलब दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, पर समय के वजह से, अपना खुद का काम के वजह से हम कोई घूम नहीं पाते अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आप सबको बोलूँगी कि महीने में एटलीस्ट एक बार ही सही आप अपने दोस्तों को टाइम दीजिए और कहीं बाहर घूमने जाइए और खाइए पिए और मजे कीजिए, क्योंकि लाइफ तो दो दिन की है। तो हमेशा तो अब हम बाहर घूम नहीं सकते, तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट एक दिन अपने दोस्तों को दे ही दीजिए। और ये हमारा आ गया है बाली पनीर। हमने मंगवाया था क्रिस्पी चिकन विथ चिली हनी, और ये देखिए चीज़ स्टफ्ड चिकन विथ स्पाइसी चिली ड्राई। मेरा दोस्त ये दिखा रहा चाह रहा है कि देखिए कितना चीज़ भरा पड़ा है इसके अंदर। मतलब जितना टेस्टी ये दिख रहा है, और सोचिए मुँह में कैसा लगेगा, मतलब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़। और उसके बाद हमने मंगवाया था एक सिजवाइन वेजिटेबल राइस और मशरूम, और एक कुम्पाओ चिकन और प्रॉन इन सॉस, और थोड़ा हमने मसाला सोडा वगैरह भी मंगवाया था। और ये सारा टेस्टी खाना मतलब एक साथ दोस्तों के साथ, उसका तो मज़ा कुछ और ही होता है। मतलब आप घर पे अगर इतना बनाओ, कुछ भी बनाओ खाओ, तो इतना ज़्यादा नहीं खाना हो, मतलब खा नहीं पाते। लेकिन हम जब बाहर होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो बात करते करते खाना तो हो ही जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं हम, और पता ही नहीं चलता टाइम भी कब चला जाता है। जैसे कि आप बिलीव नहीं करोगे, हम 12 या 12:30 बजे गए थे, और ऑर्डर आते आते मतलब 1 बज गए। फिर 1 बजे से हम सब बात करते करते, इतना टेस्टी फूड एंजॉय करते करते, कब 3:30 या 4 बज गए हमें पता ही नहीं चला। मतलब टीवी देखते हैं तो फिर भी ज़्यादातर हमको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ तो टाइम मतलब पता नहीं कैसे चला जाता है ना। तो फिर हम इतना सारा टेस्टी खाना इंजॉय करने के बाद, मुझे थोड़ा कुछ मीठा ठंडा वाला चीज़ कुछ चाहिए था। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि चलो हम दोनों मिलके एक चीज़ मंगवाते हैं, जो कि हम दोनों शेयर करेंगे। सो फिर हम इतना मेरा दोस्त बोल रहा था कि मुझे भी दिखाना और मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, और थोड़ा हाई भी बोल दो मेरे दोस्तों को। और ये देखो, इसका नाम अमृता है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और उसके बाद ये वाला सोडा मेरे दोस्त ने मंगवाया था। और फिर ये देखो, आ गया है ब्लूबेरी स्लशी, जो कि दिख तो पिंक रहा है, लगेगा जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, लेकिन ये ब्लूबेरी है। और सच में इतना टेस्टी था ना, मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही माउथ वाटरिंग, एंड जैसे मुंह में कहीं से घुल सा गया है। और हम सब ने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, देख रहे थे कि एक्चुअली टेस्ट कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है, और आप भी अपने दोस्तों के साथ घूमिए, ऐश कीजिए और मौज कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।